नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSB पे। यह वीडियो हमारे बिहार सामान्य ज्ञान स्टैटिक पोर्शन का दूसरा खंड है। प्रथम खंड में हमने अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके साथ हमने बिहार से संबंधित और भी तथ्य पेश किए थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खंड को प्रारंभ करें उससे पहले हम बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जो करंट इश्यूज हैं वो कुछ डिस्कस करना चाहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो, बिहार के बारे में आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि बिहार के उत्तरी भाग में नेपाल है, बिहार के दक्षिणी भाग में झारखंड है, पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल है और पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है। अगर हम बिहार के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश जो कि पटना उच्च न्यायालय के वो राजेंद्र मेनन, और अगर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं विजय कुमार चौधरी, अगर बिहार विधान परिषद के सभापति की बात करें तो वो हैं अवधेश नारायण सिंह, अगर बिहार विधानसभा के सत्ता पक्ष के नेता की बात करें तो वो नीतीश कुमार हैं, और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। अगर हम बात करें बिहार के स्थापना दिवस की तो वह 22 मार्च है। अब है बिहार के कुछ राजकीय प्रतीक हम जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं बिहार संबंधित एग्ज़ाम में। सो, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, बिहार के राजकीय पुष्प हैं गेंदा, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय मछली है देसी मांगुर। देसी मांगुर को वर्ष 2008 में घोषित किया गया था, लेकिन इसके पहले जो चार हमने बताए पीपल, गेंदा, बैल और गौरैया, इसे 17 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। अगर हम राजकीय खेल की बात करें तो वो कबड्डी है जिसे 2011 में घोषित किया गया था। अगर हम बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो इसकी प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। बिहार सरकार द्वारा 2011 ईस्वी में बिहार का जो राज्य गीत है उसे सत्य नारायण ने लिखा था जिसे एक्सेप्ट किया गया, और राज्य प्रार्थना गीत MR चिश्ती द्वारा लिखा गया था। सो, अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका दूसरा भाग। सो, 47 क्वेश्चन इज, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था? आंसर इज ए 1921। 48, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सो द आंसर इज बी श्री दीप नारायण सिंह। 49, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। सो द आंसर इज बी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। 50, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? आंसर इज डी बाबू महेश्वर प्रसाद। और अगर पूछा जाए कि बिहार का प्रथम हिंदी अखबार कौन था तो वह था बिहार बंधु, जिसकी स्थापना 1872 में मदन मोहन भट्ट द्वारा, यानी कि उसकी शुरुआत मदन मोहन भट्ट द्वारा की गई थी 1872 में। 51, निवारण चंद दास गुप्ता थे, श्री निवारण चंद दास गुप्ता थे कहाँ के? सो आंसर इज बी पुरुलिया के। 52, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? आंसर इज सी जगदीशपुर। अगर कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था 1857 के समय, 1857 का जो संग्राम था, और इस संग्राम में उन्होंने लगभग एक वर्ष तक युद्ध किया था, और उनका निधन 25 अप्रैल 1858 को हुआ था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 53, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? सो आंसर इज ए पटना। अगर आप कभी पटना गए हों तो गांधी मैदान के स्थान पे है उद्योग भवन, सो द आंसर इज ए पटना। 54, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर इज ए 10,40,99,452। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 15वीं जनगणना थी ये। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या बिहार के किस जिले की है तो वह पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो
बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर, और अगर संपूर्ण बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो वह 918 है। 55, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सो द आंसर इज ए मुरली भरहवा गांव, और राजकुमार शुक्ल ही थे जिन्होंने 1917 में गांधी जी को चंपारण बुलाया था, जहां वहां पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो द आंसर इज बी हाजीपुर। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को 17 मंडलों में बांटा गया है और पूर्वी मध्य रेलवे की स्थापना 9 अक्टूबर 2002 को की गई थी। 57, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? सो द आंसर इज ए 17%। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? सो द आंसर इज डी टाटानगर। अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में स्थित जो टिस्को कंपनी है उसकी स्थापना 1907 में की गई थी, और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। 59, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज सी बाढ़। बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी के कारण यह बाढ़ प्रतिवर्ष आता है। 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सो द आंसर इज डी बांकीपुर। बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह मधोलकर ने की थी, और अगर हम गया की बात करें तो 1922 ईस्वी में गया में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, और यह 38वां अधिवेशन था। और अगर हम रामगढ़ की बात करें तो 1940 में रामगढ़ में हुआ था जो कि 53वां अधिवेशन था। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? सो द आंसर इज ए काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। अगर पटना हवाई अड्डा के नामकरण की बात करें तो उसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार में मुख्य रूप से दो ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, गया और पटना, लेकिन अगर कुल हवाई अड्डों की बात करें तो बिहार में कुल 7 हवाई अड्डे हैं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, रक्सौल और बिहटा में। 62, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर इज डी गया में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। और बिहार में और भी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे सूर्य मंदिर जो कि औरंगाबाद देव में है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में है, सोमनाथ मंदिर सौराठ मधुबनी में है, हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में है। 63, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। सो द आंसर इज बी बिहार। बिहार से कुल 7 रेलवे मंत्री बने हैं। अगर उनमें सबसे प्रमुख या जिन्हें हम जानते हैं बहुत अच्छे से उनकी बात करें तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, और जो पुराने थे उनमें हैं राम सुभाग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे और जॉर्ज फर्नांडिस। 64, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री रहे? सो द आंसर इज सी खाद्य एवं कृषि। उस समय जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे, विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने पास रखे थे, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। 65, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सो द आंसर इज सी पटना। उनका जन्म 22 सितंबर 1666 को हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा था, और उन्होंने 5 ककार अनिवार्य किया था जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा इसकी अनुमति थी। और 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 66, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? सो द आंसर इज डी बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित और तथ्यों की बात करें तो 1906 में उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, 1916 में उन्होंने बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना भी की थी। 67, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक
जो किस राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो? सो द आंसर इज बी बिहार, नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 6ठी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। 68, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय क्या नाम था? सो द आंसर इज सी पाटलिपुत्र। और सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा जाता है। 69, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? सो द आंसर इज सी बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार न्यूनतम है और केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, जिसमें पुरुष हैं 71.2 एंड महिला हैं 51.8। अगर हम जिलों की बात करें कि सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में किस जिले की है, तो वह रोहतास की है 73.37 और सबसे कम पूर्णिया की है 51.08। 70, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? सो द आंसर इज डी जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताब दियारा यानी कि सारण जिले में हुई थी। उन्होंने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का घोषणा किया था। उन्हें लोक नायक उपनाम से जाना जाता है। और अगर बात करें हरिजन सेवा संघ की स्थापना, तो वह महात्मा गांधी ने की थी। 71, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान, बी बिहार। अगर हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 72, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है कौन सा? सो द आंसर इज बी अशोक स्तंभ। अगर हम बात करें तो अशोक स्तंभ वैशाली में है, जो कि बिहार का एक जिला है। इस अशोक स्तंभ, वैशाली एक नगर है सॉरी, इस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक शेर है और इसी के समीप एक बौद्ध मठ भी है। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और अगर हम बात करें सलीम अली पक्षी विहार, तो सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है। कामाख्या मंदिर की बात करें, तो कामाख्या मंदिर आपको गुवाहाटी असम में स्थित है। और उदंती पक्षी विहार या छत्तीसगढ़ में स्थित है। 73, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? सो द आंसर इज APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जिन्हें 1977 में भारत रत्न से नवाजा गया था। सेवेंटी फोर क्वेश्चन इज, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? सो द आंसर इज ए बिहार। और अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें, तो यह 5वीं सदी में कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। और अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, तो उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। 75, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सो द आंसर इज बी हेनसांग। हेनसांग ऐसे पर्सन थे जो वहाँ विद्यार्थी भी रह चुके थे और बाद में वहाँ शिक्षक भी रह चुके थे। 76, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सो द आंसर इज बी सोन। सोन के साथ साथ नर्मदा का भी उद्गम स्थान अमरकंटक ही है। और सोन अथवा इसे हम सोनभद्र नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन पुनपुन नदी की अगर बात करें, तो पुनपुन नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। नेक्स्ट 77, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सो द आंसर इज सहजानंद सरस्वती बी। 4 मार्च 1928 को उन्होंने बिहटा पटना में इसकी स्थापना की थी। और अगर हम अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें, तो उसकी स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी। 78, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सो द आंसर इज डी 9 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय में अभी जो न्यायाधीशों की कुल पद है वो 45 हैं। 79, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? सो द आंसर इज सी 38। अगर हम और मुख्य बातें करें बिहार से संबंधित, तो लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16, बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। बिहार में अगर सबसे बड़े जिले की बात करें, तो वह है पटना। अगर बिहार में
पटना लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे जिले की बात करें तो वह शेखपुरा है। फिर है कि बिहार में अगर सबसे बड़े जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शिवहर है। इसमें कंफ्यूज ना हो प्लीज़, इसे ध्यान रखें कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना है और सबसे छोटा शेखपुरा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा शिवहर है। एटी 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? सो द आंसर इज सी 10.40 करोड़। अगर हम वहाँ पुरुष जनसंख्या की बात करें तो वह थी 5.42 करोड़, और अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो वह थी 4.98 करोड़।